फिल्म मेला तो याद ही होगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में आमिर खान और ट्विंकल खन्ना नजर आए थे और इन दोनों की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाते हुए टीनू वर्मा नजर आए थे, जिन्होंने इस फिल्म में गुज्जर सिंह का किरदार निभाया था, जिसके खौफ से पूरा गाँव सन्नाटे में छा जाता है। टीनू वर्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता हैं, जो फिल्मों में अपने खलनायकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब टीनू वर्मा के बारे में तो जानते हैं, पर क्या आप उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस दमदार कलाकार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2000 में आई आमिर खान की फिल्म मेला में विलन गुज्जर सिंह का किरदार आज भी लोगों को याद है। रातों रात अपने रोल से पॉपुलर होने वाले इस एक्टर का नाम टीनू वर्मा है। ये भारतीय फिल्म अभिनेता, कहानीकार, निर्माता और एक्शन निर्देशक हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1993 में आई गोविंदा की फिल्म आंखें से की थी, जिसमें इन्होंने तेजेश्वर का छोटा सा रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने घातक और हिम्मत जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान फिल्म मेला से मिली थी, जिसमें इन्होंने गुज्जर सिंह का किरदार निभाया था। पर ये किरदार आज भी लोगों को याद है। ये फिल्मों में ज्यादातर नकारात्मक भूमिका को निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि छोटे मोटे रोल करने के बाद टीनू को बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई थीं। आपको बता दें कि टीनू वर्मा एक्टर होने के साथ साथ ही एक एक्शन डायरेक्टर भी हैं। इन्हें बेस्ट एक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने बतौर स्टंट डायरेक्टर फिल्म शोला और शबनम, लोफर, जीत, राजा हिंदुस्तानी, गदर एक प्रेम कथा और तेलुगु की पुली जैसी फिल्मों में काम किया है। लेकिन इनका करियर जितनी जल्दी सफल हुआ उतनी ही जल्दी डूब भी गया, जिसके बाद आज ये बॉलीवुड के गुमनाम पन्नों में शामिल हो चुके हैं। इनको आखिरी बार कलर्स टीवी के शो कर्मफल दाता शनि में देखा गया था और इस शो में इन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रोल प्ले किया था। लेकिन अगर बात की जाए इस दमदार विलेन की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम बीना वर्मा है, जो की एक हाउस वाइफ है। इन्होंने टीनू वर्मा से शादी की थी। बीना से टीनू की दो बेटियां हैं। आपको बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी। वहीं से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद इन दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और लगभग 2 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन फिल्मों में सफल करियर न होने के कारण इन्होंने टीनू वर्मा से तलाक ले लिया था और अपनी दोनों बेटियों को लेकर इंग्लैंड चली गई थीं। आपको बता दें कि एक स्टार फैमिली से होने के बावजूद ये लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीना वर्मा की खूबसूरती की, तो ये खूबसूरती के मामले में किसी अभिनेत्री से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको टीनू वर्मा की वाइफ बीना वर्मा की जोड़ी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।